हेलो फ्रेंड, मैं जिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। फटाफट थोड़ा सा मार्केट का जायज़ा लेते हैं, मार्केट में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। उससे पहले यही कहेंगे कि भाई पार्लियामेंट में जो रेगुलेशंस को लेके चर्चा हो रही थी कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो ये वापस से पोस्टपोन हो गया है और इस सेशन के अंदर तो नहीं हुआ, ये विंटर सेशन में। अब आगे देखते हैं ये कब होता है नहीं होता है, ऑर्डिनेंस के थ्रू होता है क्या होता है, वो आपको हमको मालूम पड़ जाएगा। ओके, तो जो एक थोड़ी सी अंदर उम्मीद थी कि भाई कुछ ना कुछ निकल के आएगा, वो उम्मीद वापस से कह सकते हैं बिखरती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी उम्मीद बनाई थी कि अच्छा खासा होगा। ठीक है, तो वक्त आएगा तब पता चल जाएगा। मेन टाइम यहाँ पे चार्ट्स देखते हैं तो वापस से अच्छी खासी हरियाली छाई हुई है और बीच में लाल गुलाब भी खिले हुए हैं। BTC की बात करते हैं, 49,000 के आसपास चल रहा है। इथेरियम 4,000 के आसपास चल रहा है और BNB ने थोड़ी सी मजबूती दिखाई है, 535 के आसपास, लमसम 515 518 के आसपास आ गया था। अभी क्या हो सकता है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं BTC की। ठीक है, BTC की अगर मैं बात करते हैं, और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से लास्ट टाइम तो मैंने चार्ट्स के अंदर सारी चीज़ें आप लोग को बताई दी थी कि भाई क्या स्थिति है, और जो एक बैड पैटर्न हमने बनाया था कि वहाँ से प्राइस थोड़ा बहुत पम्प करेगा, तो वो थोड़ा बहुत प्राइस पम्प किया भी है 46,000 से 49,500, तो वो अच्छा खासा एक पंप हुआ है। ओके, तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है, बट राइट नो सिनेरियो क्या बनता है। ठीक है, अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि काफ़ी दूर दूर है वो। यहाँ पे जो चैनल है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ओके, ये अच्छा खासा चैनल था, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, उसके बाद तोड़ डाला। ये W पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है और प्राइस इस हिसाब से ऊपर की तरफ चल रहा है। ओके, तो अच्छा खासा ब्रेकआउट है, और लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस भी अच्छे खासे मिलेंगे। और ये देख सकते हैं लेफ्ट साइड का जो फिब रेशियोज़ है ना, डेट विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस, पहला यहाँ पे है, उसके बाद से हम जीरो यहाँ पे पकड़ सकते हैं। तो लमसम अगर कह सकते हैं कि 49,700 से भी अगर ऊपर की तरफ आता है तो कहीं ना कहीं 51,000 के आसपास ये जा सकता है। ठीक है, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे चौकन्ना रहूँगा, एक छोटा मोटा प्रॉफिट निकाला है बट चौकन्ना इसलिए रहूँगा क्योंकि मामला जो है ना थोड़ा सा मार्केट के अंदर गड़बड़ाने वाला लग रहा है। कोविड की केसेस हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और दुनिया भर में थोड़ी बहुत चिंता भी हो रही है इस चीज़ को लेके, तो मैं ये भी उम्मीद कर सकता हूँ कि यहाँ से छोटा मोटा एक ब्रेकआउट भी ले सकता है, सेफर पॉइंट है। तो वेट करो कि 50 या 51,000 ब्रेक कर देता है, देन यू शुड गो फॉर ए लॉन्ग, जिसका टारगेट हमारे हिसाब से लम सम 54-55,000 के आसपास होगा। ओके, क्योंकि वी नेवर नो यहाँ से ये कब पलटी मारते, धोखा कब देते, वी नेवर नो। ठीक है, क्योंकि इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है, अगर अच्छा खासा मजबूती होती तो फटाक से प्राइस ऊपर की तरफ होता, 50 के ऊपर होता, लेकिन 50 के ऊपर नहीं जा रहा है, इसलिए थोड़ी सी चिंता वाली बात है। चलिए बात करते हैं BNB के बारे में करते हैं, और ये अच्छा खासा ऊपर जा सकता है मेरे हिसाब से अगर BTC मजबूती देता है तो। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा हो गया, ऊपर जाएगा, यहाँ पे तीसरा बनाएगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ अच्छा खासा लग रहा है, इसकी प्राइस ऊपर जा सकती है, और एटलीस्ट कम से कम यहाँ से इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वापस से 560 के आसपास टच हो जाए, जो लमसम आपको 6% के आसपास इसके अंदर दे सकता है। और अगेन यहाँ से ऊपर आता है तो 580 से आएगा, और मेरे ख्याल से 560 के आसपास एक अच्छा लेवल होगा इसको लॉन्ग करने के लिए आफ्टर ब्रेकआउट। ब्रेकआउट होता है, नीचे आएगा, रिटेस्ट करेगा, देन यू वेट फॉर 560, फिर वहाँ से आप लॉन्ग करो फॉर ए टारगेट नियर अबाउट 610 के आसपास। लेकिन BTC मजबूत होना चाहिए, BTC अगर यहाँ से लड़खड़ा गया, 49 से वापस से 48,000 के रेंज के आसपास आ गया, तो भैया इंतज़ार करना, अभी एंट्री मत लेना। आप यहाँ एंट्री लेने के बजाय फिर आप बॉटम में एंट्री लेना 510 या 480 ये सब के आसपास। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन यहाँ पे हम आ जाते हैं MACD पे आ जाते हैं, और MACD में देख सकते हैं लाल कलर की चट्टाने ख़त्म होने वाली हैं, और यहाँ से वापस एक बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है जो जीरो लाइन से ऊपर जाएगा, तो MACD जो है वो भी बुलिश बता रहा है, और प्राइस हम BNB के अंदर अच्छा खासा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑल्टकॉइंस आप लोग के साथ मैं शेयर करूं, और इस माहौल के अंदर बेहतर ये रहता है कि जो मजबूत ऑल्टकॉइंस हैं उनके अंदर ही ट्रेड किया जाए। ठीक है, तो वापस ये कहूँगा बाइबिट जो है इसको भी इस्तेमाल कीजिए डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए, स्पॉट ट्रेडिंग के लिए, अच्छा खासा एक्सचेंज है, लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी खासी है,
ट्रेड करने में मज़ा आता है इसके ऐप के थ्रू भी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि लिंक दिए डिस्क्रिप्शन में, उससे आप साइन अप वगैरह करिए तो लमसम आप को मेरे ख्याल से 4000 या $41,000 के आसपास आपको रिवॉर्ड मिलेंगे, जिसको आप ट्रेडिंग के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो लाभ उठाना चाहते हैं तो आप उठा सकते हैं। बाकी यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ट्रेडिंग करने में मज़ा आएगा इसके अंदर। चलिए अब आते हैं हम मैटिक के बारे में आते हैं। अब मैटिक पॉलीगन के बारे में आप लोग को बहुत अच्छे से कहा था कि भैया ये जो ट्राइंगल है यहाँ से ब्रेकआउट होगा। प्राइस उस समय चल रही थी, कितनी चल रही थी, 2.19 के आसपास। ओके, और आपको क्लियर कट कहा था कि ये 2.3 से लेके 2.5 के आसपास जाएगा। हमने ट्रेड लिया था और थोड़ा सा मैं तो जल्दी निकल गया था क्योंकि स्कैल्पिंग करके, लेकिन राइट नाउ वी कैन सी अच्छा खासा 2.5 के आसपास पॉलीगॉन चल रहा है, मैटिक चल रहा है। ओके, ट्रेन जब निकल जाती है तो लोगों के सवाल यही रहते हैं कि भाई अगला स्टेशन कहाँ पे ये रुकने वाली है। ठीक है, तो स्टेशन क्या हो सकता है, एज़ पर चार्ट नॉर्मल है, सिंपल चीज़ है, ये असेंडिंग ट्राइंगल है भाई, इसका ये जो लेंथ है ए बी, इसको उठा के यहाँ से हमने यहाँ डाल दिया, सी डी इक्वल टू लेंथ होती है जो आपको बताता है 3-3.5 के आसपास जा सकता है। ठीक है, तो पॉलीगॉन है, इसके अंदर भी आप सोच सकते हैं, बट स्टिल 2.5 से ऊपर चल रहा है और पहले भी यहाँ पे जाके इसको रिजेक्शन मिला था जो नियर अबाउट 2.7 के आसपास है। तो आप इसके अंदर हाथ मार रहे हैं, सावधानी से हाथ मारना, एसएल वगैरह लगा के चलना, रिस्क एंड मैनेजमेंट को पकड़ के चलना, जो भी आपकी ट्रेडिंग बैलेंस है पर ट्रेड उसमें से 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना है। अगर नहीं समझ आ रहा है क्या मैं कह रहा हूँ तो भाई प्लीज़ रिस्क एंड मैनेजमेंट वाली वीडियो देख लेना, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको मदद दे देगा। ठीक है, वापस मैटिक मजबूत यहाँ पे दिख रहा है। चलिए बात करते हैं के यू कॉइन के नेटिव टोकन KCS के बारे में बात करते हैं। और हमेशा मैं कहता हूँ कि जो भी बढ़िया एक्सचेंज होते हैं उनके नेटिव टोकन पे आँख लगा के रखो। ठीक है, आँख गड़ा के देखते रहो भाई क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज़ मैगडी जो है यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है, इसको बंद कर देते हैं। अब ये 4 आवर का चार्ट है, अगर मैं आपसे पूछूं भैया ये क्या है, कुछ जाना पहचाना लग रहा है, तो आप में से जो लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं तो बोलेंगे कि सर ये तो आपने कुछ बैड पैटर्न जैसा बनाया हुआ है। ओके, जो आपने लास्ट टाइम BTC बनाया था, तो ऑफ कोर्स उसी तरह का ये पैटर्न है। और यहाँ पे XA कंप्लीट हो गया है, AB BC कंप्लीट हो गया है और ये CD यहाँ से चालू है। ओके, और ये मजबूत कॉइन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इस लेवल पे भी अच्छा खासा सपोर्ट बनाया हुआ है 20 के आसपास। राइट नाउ चल रहा है 21 के आसपास चल रहा है, आप इसको लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। BTC ने अगर मजबूती दिखाई तो हम कहीं ना कहीं इसे 25 और 27 के आसपास देखेंगे, जो लमसम 30 के आसपास आप लमसम 30% के आसपास आपको प्रॉफिट दे देगा। ओके, तो ये था क्विक एनालिसिस ऑन BTC एंड ऑल्ट कॉइंस। और अगेन बाईबिट है, उसको इस्तेमाल कीजिए, ट्रेडिंग कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि भाई बाइनेंस पे सब कुछ मज़ा आता है ट्रेडिंग करने के लिए, बाईबिट पे अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हैं। क्यू कॉइन पे आपको जेम कॉइंस मिलेंगे, ऐसे इंडेक्स पे आप कर सकते हो, FTX पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ ही आप डेल्टा एक्सचेंज पे कर सकते हो, वहाँ पे ऑप्शंस ट्रेडिंग करने में बहुत मज़ा आता है। तो हर एक एक्सचेंज का मज़ा अलग होता है। ख़त्म करने से पहले वापस देखते हैं हरियाली यहाँ पे क्या है, तो हरियाली भाई थोड़ी सी कम हो रही है। BTC 48,975 के आसपास चल रहा है, इथीरियम 4,000 के आसपास अटका पड़ा है। और मेरे दिमाग में अभी ये आ रहा है कि भाई इथीरियम अगर 4,000 से नीचे आया, ओके, अगर सपोज करो 3,900 के आसपास आया, तो BTC उसके पीछे जाएगा। या तो BTC 48,500 से नीचे आएगा तो देर सवेर इथीरियम भी भाई उसके पीछे आएगा, ये हमेशा दिमाग में आप याद रखना। ठीक है, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट एक एनालिसिस आ रही है, जो सिर्फ मैं मीम कॉइन्स पे करने वाला हूँ, 2 या 3 मीम कॉइन्स हैं उनके ऊपर एक एनालिसिस आप लोग को बताने वाला हूँ, तो उसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा नज़र फोकस करना। और जाते जाते यहाँ पे देखो लूना जो है ज़बरदस्त है, 97 के आसपास चल रहा है। और इफ़ यू रिमेंबर लूना का आपको क्या कहा था, 130 का हमारा टारगेट है। ओके, राइट नाउ 97 चल रहा है, 16% में बढ़त है इसमें। डॉट जो है 6.7% के आसपास चल रहा है, 26.63 चल रहा है और अच्छा खासा ही दे रहे हैं। ठीक है, तो इस मार्केट के अंदर मजबूत जो कॉइन्स है ना उनके ऊपर ही हमें हाथ मारना है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, जहां पे हम मीम कॉइन्स के ऊपर चर्चा करेंगे और उसके बाद Layer 1 ये सब के बारे में हम लोग अलग से चर्चा कर लेंगे। वीडियो पसंद आई, एनालिसिस पसंद आई तो लाइक ज़रूर ठोक देना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया कुछ नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए,
बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आप लोग से मिस ना हो। जल्द मिलेंगे, तब तक टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।